भाजपा कार्यकर्ताओं के किशनगढ़ बास में मीटिंग लेने के लिए पहुंची राजस्थान की सह प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री विजया रहाटकर ने अशोक गहलोत सरकार की ओर से प्रदेश में शुरू किए गए राहत कैंप पर तंज कसते हुए कहा कि जनता के काम और वादे पूरे कर दिए होते तो राहत कैंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पूर्व विधायक रामहित यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश कांत वशिष्ठ की उपस्थिति में आयोजित मीटिंग में पूर्व केंद्रीय मंत्री व जयपुर ग्रामीण सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़, पूर्व मंत्री जसवंत यादव, तिजारा पूर्व विधायक मामा सिंह यादव, बानसूर से चुनाव लड़े महेंद्र यादव, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा, जिला अध्यक्ष उम्मेद भाया, जिला प्रभारी लक्ष्मीकांत भारद्वाज, किशनगढ़ बास नगर पालिका चेयरमैन तारामणि, सतीश सिंगल, खैरतल चेयरमैन हरीश रोगा, भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश कांत वशिष्ठ सहित जिला व प्रदेश नेता मौजूद रहे। बैठक में राजस्थान सह प्रभारी व राष्ट्रीय मंत्री विजया रहाटकर ने प्रदेश और केंद्र सरकार के होने वाले चुनाव में जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र के चुनाव आ रहे हैं, पन्ना प्रमुख से लेकर हमारा बूथ मजबूत है तो हमें दुनिया की कोई ताकत चुनाव जीतने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि देश में अगर बिजली की दरें कहीं महंगी हैं तो वे राजस्थान प्रदेश में है। 4.5 साल सरकार ने निकाल लिए और आज कैंप लगाकर बिजली फ्री देने की बात कह रही है। कार्यकर्ताओं को घर घर जाने की जरूरत है, सरकार की गलत नीतियों को हमें जाकर बताना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि अब वक्त मैदान में फील्डिंग सेट करने का है, हमें कमल निशान को लेकर अपना बूथ जीतने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना रहना है। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शानदार विकास और गरीब कल्याण के काम हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ देखें तो अशोक गहलोत ने सरकार में केवल राजस्थान को बदनाम करने का काम किया है। पूर्व विधायक रामहित यादव ने संगठन को लेकर जानकारी दी और कहा कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है। पूर्व विधायक ने इस मौके पर 13 मई को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यक्रम में किशनगढ़ बास के गांव जोड़िया पहुंचने की अपील की है। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा ने जिला प्रभारी लक्ष्मीकांत भारद्वाज, बानसूर से विधायक का चुनाव लड़े महेंद्र यादव ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक को ले जाने को सशक्त बनाए जाने के लिए मंत्र दिए। बैठक में भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश कांत वशिष्ठ सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारा एक बड़ा अभियान हुआ जो है अभियान का फोटोयुक्त उत्सव का आपने वो पूरा किया है। उसके बाद अभी हमारा अभियान चला है जो कि पन्ना प्रमुख होगा। मुझे लगता है लगभग वो भी आपका पूरा हो गया होगा, थोड़ा बहुत बाकी होगा तो आप वो भी पूरा कर देंगे। अब हमें अपने संगठन के ऊपर बहुत जोर देना है। आपको पता है कि दो एमपीसीए पार्टी आज संपूर्ण बहुमत वाली अतिशय उत्तम काम करने वाली ऐसी सरकार हमारी बन गई है, ऐसी हमारी